कौन है? मैं समय हूँ। अरे समय, रुको जरा, सबर करो, डिस्क्लेमर तो दो। हाँ हाँ, डिस्क्लेमर देना जरूरी है, वरना कंप्लेंट डाल देंगे। महीने का समय बीतने के पश्चात
संजय, अरे ओ संजय, रिपोर्ट का क्या हुआ? महाराज मुझे दिख रहा है 5 पांडव में से 3 पांडव पॉजिटिव है। अब इस विविधा का क्या किया जाए? अरे अरे गांधार नरेश, इसका तरीक उपाय तो बताए आप। अरे क्यों ना, अरे क्यों ना हम एक और फरमान जारी करते हैं। अभी हस्तिनापुर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसलिए डू नॉट कम अंटिल फर्दर नोटिस। इनके सर पर इन्विजिलेशन की तलवार लटका दी जाए। यूं ही एक महीने का समय बीतता गया, उसके पश्चात मामाशी क्यों ना हम द्वार खोलने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे पांडवों के साथ युद्ध खेलना है। मांजे दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह हस्तिनापुर का राज दरबार है और यहाँ मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन मामा श्री, यहाँ तो कोई मास्क नहीं पहनता। तुम तो चुप ही रहो, शिकायत लेके आ गए। साले साहब, आप हस्तिनापुर के द्वार खुलवाने का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है भाई, पांडवों को हस्तिनापुर आने का आदेश दिया जाए। मित्र कर्ण, अब तो तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो गया। पार्टी कब दोगे? हमने सीटीसी ले लिया, अब तक पार्टी नहीं दी। अरे मेरा बस चले तो मैं तो बीच पर पार्टी दे दूं। भैया यह हस्तिनापुर में चल क्या रहा है? कभी आने को बोलते हैं, कभी जाने को बोलते हैं। अरे भैया ये बार बार पैकिंग अनपैकिंग हमसे ना होगी। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। अरे वो सब छोड़ो, पहले बताओ 2250 रुपए लाए हो? वरना युद्ध सभा में बैठने के लिए एंट्री नहीं मिलेगी। अरे हाँ, ये तो गुरु द्रोण ही है। हार्वेलियन फोर्स की फोटोज है। अरे भैया गुरु द्रोण कोविड प्रूफ जो ठहरे, दरवाजे खुले हो बंद हो क्या फर्क पड़ता है उनके लिए। कह रहा था कोई क्लब का काम है। भैया
मुझे बेहोश हो गए लगता है एचआई। ओ सॉरी सॉरी, मेरा मतलब इंद्रप्रस्थ से आते आते मैं समझ गया, लगता है भीम तुम्हारे बावर्चियों के बनाए शाही रबड़। लगता है तुम्हारे बावर्चियों के बनाए शाही रबड़ या फिर अंग्रेजी मैदा से इनकी हेल्थ पर असर पड़ा है। तुरंत डॉक्टर दुशासन को बुलाया जाए जो हस्तापुर के विकासशील के लिए काम करते हैं। दोनों लगता है कान में कीड़ा चला गया है। कोई ना, पैंटा डाल देते हैं, प्रिंस के साथ बाहर आ जाएगा। और ना आए तो पितामा भीष्मे के साथ बाहर भेज देंगे, इस बहाने उनका भी नाइट आउट हो जाएगा। और वैसे भी उन्हें क्वारंटीन की जरूरत तो पड़ती नहीं। बल्ला बस एक उपाय है, द्रौपदी के कान काटने होंगे। लगता है तुमने तुम्हारी एमबीबीएस की डिग्री भी ऑनलाइन ही प्राप्त की है। क्या नाचना बकरे हो, डोलो लो सब ठीक हो जाए। ये तो पक्का था डोलो है। 12:30 बजे मिलते हैं सीधा द्यूत सभा में। क्यों कर, तुम राजी हो ना? मैं तो बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन 2250 लाए हो। सारे पांडवों ने मुझे कन्फेस किया है कि 2250 द्यूत सभा के लिए बहुत ज्यादा है। 700 रुपए कौन? ये सांस्कृतिक इवेंट के नाम पे क्या 2200 लगा रखा है? तुरंत पांडवों के पैसे वापस करो अत्यंत प्रभाव से। केवल 700 रुपया देगा। अब तो तुमने द्रौपदी को भी इस सभा में हार लिया। द्रौपदी को जीबीएम में बुलाया जाए। मर्दानी द्रौपदी, कम से कम क्लीन शेव तो करवा देते। अरे देवर जी, ये बायो बबल का फल स्वरूप है। ये बायो बबल के चलते हस्तिनापुर में बार बार कहा रहे हैं देवर जी। ये क्या अश्लीलता है? इसके लिए तुम्हें फाइन लिस्ट पर डाला जाएगा। फाइन लिस्ट? क्या मैंने फाइन लिस्ट सुना? बेटा द्रौपदी, अपना एक पीआर आसा फोटो हमें ईमेल कर दो। माता श्री, हमने फाइनलिस्ट नहीं, हमने फाइनलिस्ट बोला है, फाइनलिस्ट नहीं। हर बात की पब्लिसिटी मत देने लग जाया करिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जाके देखती हूँ कोई हमसे बेहतर बैच टी शर्ट ना बना ले।
सभा में ना आने के 1000 रुपए और देरी से आने के 250 रुपए लेंगे। बचा लो प्लीज। तुम्हें पांडवों से उम्मीद है, इनके बस का कुछ नहीं है। पितामह, आप तो परम पूजनीय है पितामह, आपने तो आजीवन धर्म का पालन किया है, परंतु आज इस महासभा में एक नारी पर अधर्म होते हुए देख के भी आप मौन कैसे रह सकते पितामह? आप चुप क्यों है पितामह? आप चुप क्यों? जब गुरु द्रोण ने पिछले साल कैंपस आने की ऑफलाइन एग्जाम लेने की बात की थी तब भी आप मौन थे, आज भी आप मौन है। दंडेश्वर मौन सुनो पितामह। जब कोविड का प्रकोप होते हुए भी आपने हमें इस हस्तिनापुर का न्योता दिया था, हमने आवाज उठाई थी, आप चुप थे। आज जब हमने फिर अपनी आवाज उठाई है तो आपने हमें फाइनल तले दबा दिया। चलो चलो, अरे इनसे तो साइकिल भी ठीक नहीं होती। आपका काम तो बस हम जैसों से फाइन लेना है और विधि धन का ट्रेडिंग चालू रखना है। पितामह, आपकी इसी चुप्पी और कमजोरी के कारण ही हस्तिनापुर के हर एक प्रजा आपसे विद्रोह कर रही है। पितामह विद्रोह कर रही है, कर लो भाई विद्रोह कर लो। पितामह, ऐसे लानत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि आप अपना पद त्याग दें। दुशासन, प्लीज गिव माय सारी बैग, थैंक यू। ये क्या चल रहा है युधिष्ठिर? तुम्हें प्लेसमेंट प्रोसेस से डीबार किया जा रहा है। अगेन अंटिल फर्दर नोटिस। तुम सब पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ के जाना होगा। परंतु द्वार तो बंद है। अरे कांदार नरेश, इसका उपाय बताओ। अरे महाराज और पितामह, मुझे तो सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है, क्यों ना कोई इवेंट कराते हैं, इससे हमारे हस्तिनापुर की समृद्धि भी होगी और उसके द्वार भी खोल दिए जाएंगे क्योंकि बाहर से गेस्ट जो आने हैं, और इसी बहाने हमारे जनता को हस्तिनापुर के क्षितिज से बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। दूत, एक फरमान जारी करो। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसका पड़ा है? पांडव सारे अंश रहे।
पांडवों ने प्लेसमेंट के फेज टू में अप्लाई करने के लिए श्री कृष्ण शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर में द्वारकाधीश दुर्योधन से विनम्र करने के लिए आ गए हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे कृष्ण, आप यहाँ कैसे? पांडवों की यह इच्छा है कि आप उन्हें 5 मास रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में बैठने का मौका दें। देखो, मैं अभी इस महीने की फाइनलिस्ट बनाने में बिजी हूँ। ये तो नहीं होगा। फिर हमारे पास युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं है। महाराज, अब आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। मेरे पास डायरेक्ट मत आओ। प्रॉपर चैनल दे। पितामह, आप किसके तरफ से युद्ध लड़ेंगे? देखो भाइयों, मैं तो इस राज की कठपुतली बन के रह गया हूँ। मैं ना चाहता हूँ अभी महाराज और गांधार नरेश का साथ देना ही पड़ेगा। कोई और उपाय है ही नहीं मेरे पास। मामा श्री, हमारी संख्या ऑलरेडी कौरवों से कम है। 100-200 ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हमारे साथ दे दीजिए। देखो भांजे अर्जुन, युद्ध मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। बाकी आई हैव ऑल माई बेस्ट लक टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। महाभारत का युद्ध हुआ। के साथ महाभारत के युद्ध का आरंभ हो गया। बोल मस्तकों के झुंड बाज, झंड की घड़ी की तुंग मार दो।